Okay, Swati, so this is your artwork, right? Yes, sir. The theme of your artwork is environment. Yes, sir. चलिए, तो इस artwork को बनाने का inspiration आपको कैसे मिला? I want to say that Earth is that planet we live, and it is very important to conserve it. So we have to plant more trees and conserve water. When we not plant trees, life is not sustained in the earth. So conserve water, conserve planet. Thank you. इस artwork के through जो है आप लोगों को inspire करना चाहते हैं, message करना चाहते हैं about environmental sustainability and kind of things we can do about it, right? Yes, sir. Very good. Well done. तो आपने जो है इसके लिए design कैसे तैयार किया था? I see my surrounding for pollution and other things. People cut trees for uses. So I want to say that don't cut trees and plant more trees to conserve life on earth. Very good, thank you. So this is Swati here, and this is her artwork. The theme is environment. Well done, Swati. Thank you. This is another submission in our art exhibition. This is by Priya Jha, class 7. Let us talk more about this artwork with Priya. Hello, Priya. Hello, sir. Priya, आपके artwork का जो है subject क्या है? Sir, ये मधुबनी एक painting है. It is a piece of decor. Okay. And peacock is our national bird of country, and it is a piece of art. Very good. Well, it's an amazing piece of art, as I can say. Madhubani painting बनाने का idea आपको कहाँ से आया? Sir, I just see my surroundings and let's see about Madhubani artworks and such, and these things that I found in website and just. Okay, well done, Priya. Great job. Thank you. Now this is another artwork by Swati Chaudhary, class 7th, Madhubani bride painting. Well, as you can see, it's an amazing piece of work, we must say. चलिए अब इसके बारे में हम लोग जो है स्वाति से जानते हैं कि स्वाति का क्या कहना है अपने इस आर्टवर्क के बारे में. हेलो स्वाति. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. माय नेम इज स्वाति चौधरी. मैं मधु आर्टवर्क अपने हाँ तो ये आपने लिखा है मधुबनी ब्राइड पेंटिंग, राइट? यस सर. इसके थ्रू आपने मधुबनी ब्राइड को दिखाया है. यस सर. वेरी गुड. तो इस आर्ट के डिजाइन में आप मैजा में देख सकता हूँ कि इसमें आपने जो है पेंसिल शेडिंग का यूज किया है. यस सर. बॉर्डर पर आपने जो है ट्रायंगुलर शेप्स बनाए हैं. यस सर. है ना? तो कितना टाइम लगा इस आर्टवर्क को पूरा करने में आपको? 6 आवर्स. 6 आवर्स का टाइम लगा. यस. वेरी गुड. तो इसके थ्रू जो है मिथिला के किस कल्चरल एस्पेक्ट को दिखाना चाहती हैं? ये मैं मधुबनी पेंटिंग बनाने की कोशिश की और ये इसका आधा चेहरा इसीलिए ढका है क्योंकि औरत का आधा चेहरा ढका रहता है. एक तरफ आधा चेहरा शांति के लिए और आधा जरूरत पड़ने पे झांसी की रानी भी बन सकते. थैंक यू. दैट्स अ वेरी ब्रीफ मैसेज. थैंक यू. वी हैव अनदर आर्टवर्क हियर बाय सृष्टि सिंह. दिस इज अ स्लाइटली लार्जर कैनवास, सो वी विल जस्ट यू लाइक चेक इट आउट. Yes, so you can see it's a very intricate piece of design here. All right, चलिए हम लोग अब सृष्टि से बात करते हैं और जानते हैं उनके आर्टवर्क के बारे में. Well, सृष्टि, तो first of all, congratulations for making such a beautiful piece of art. तो इस आर्टवर्क के थ्रू आप क्या दिखा रहे हैं? सर, ये मिथिलांचल पेंटिंग है और ये हमारे बिहार में मिथिला में बहुत फेमस है और मतलब मछली है और वो भी बहुत फेमस है हमारे मिथिलांचल में. और ये मैंने इसलिए बनाया है ये पेंटिंग क्योंकि ये पेंटिंग धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है और मैं इसे मुख्य बनाना चाहती हूँ. आपके आर्टवर्क में जो है मछली का काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, राइट? मछली को आपने दिखाया है, तो क्या मछली का कोई कल्चरल सिग्निफिकेंस है मिथिला के केस में? यस सर, मछली का बहुत मछली का बहुत वैल्यू है मिथिलांचल में. उसी का यूज़ होता है डिज़ाइन में. Well, so it's like mostly nutritious beer or culturally significant beer. Yes, well done, Sriti. Great work. Okay, we have another artwork here, and this is by Shalvi Kurd.
इट्स अगेन अ वेरी ब्यूटिफुली क्रिएटेड पीस ऑफ आर्ट। तो चलिए हम लोग शालवी से जानते हैं कि उनके आर्ट वर्क में क्या क्या की फीचर्स हैं। यस शालवी, तो इस पेंटिंग के थ्रू आप क्या दिखाना चाहती हैं? इस पेंटिंग के थ्रू हम ये दिखाना चाहते हैं कि शादी के बाद जो होता है दूल्हा और उनकी जो पत्नी होती है, वो शादी के बाद कोहवर घर में जाती है और वहाँ पे जो पूजा होता है उसमें ये इसमें सिंदूर भरा जाता है और उसके सामने रख के किया जाता है। अच्छा, तो बेसिकली जो है मिथिलांचल में जो कोहवर की परंपरा है उसमें इस तरह के आर्ट डिजाइन का यूज होता है उस घर को डेकोरेट करने। यस सर। चलिए ठीक है, तो इस पेंटिंग के थ्रू जो है शालवी ने मिथिला कल्चर के एक और इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट को बताया है कि हाउ यू नो लाइक वेडिंग्स इन मिथिला इज नॉट ओवर जस्ट ऑन द वेडिंग डे, काफ़ी कुछ रिचुअल्स उसके बाद भी फॉलो होते हैं और कोहवर घर का डेकोरेशन जो है बहुत ही एक की पार्ट होता है सब चीज़ों का। थैंक यू शालवी, इट इज़ अ ग्रेट पीस ऑफ आर्ट। क्या क्या आपने इसमें दिखाया है, क्या कुछ थीम के बारे में बताना चाहेंगे आप इसमें? ये बांस है ये एक और पीस ऑफ वर्क है जो कि उसी थीम पर बेस्ड है। यस वेरी गुड। हाँ, ये बांस है जिसको मिथिला में बहुत ही भयंकर थिंग माना जाता है और इसे जहाँ पे पूजा होता है वहाँ पे रख के इसे बहुत ही पवित्र समझा जाता है, इसके लिए इसे रखा जाता है वहाँ पे। वेरी गुड शालवी, थैंक यू। और अब हम लोग जो है कि राधा कृष्णा पेंटिंग को देख रहे हैं यहाँ पर। दिस इज अ वर्क बाय सोनाक्षी शर्मा। चलिए हम सोनाक्षी से जानते हैं उनके इस आर्ट प्रोजेक्ट के बारे में। यस सोनाक्षी, तो इस पेंटिंग के थ्रू आप क्या दिखा रही हैं? इस पेंटिंग के थ्रू मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि इस दुनिया में प्यार और पीस से बढ़ के कोई कुछ भी नहीं है। वेरी गुड। तो राधे और कृष्णा जो है वो बेसिकली लव और पीस को रिप्रेजेंट करते हैं। यस सर। ओके, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि इस पेंटिंग में जो है आपने दो फ्रेम का यूज किया है, ऊपर में एक जो है कलर्ड में जो है राधे कृष्णा की पेंटिंग है और नीचे फिर आपने जो है ये डार्क जो है डार्क कलर में फिर एक और पेंटिंग की है, क्या ऐसा कोई स्पेशल रिलेशन है क्या? यस सर, जो ये नीचे में मिनी पेंटिंग है ये मतलब राधा और कृष्णा रास इसमें रास कर रहा है जिसमें ये प्यार का प्रतीक माना जाता है और ऊपर वाले पेंटिंग में कृष्णा मतलब आशुरी बजा रहे हैं और राधा जो है वो सुन रहे हैं। हाँ, चलिए, वेल डन सोनाक्षी, कांग्रेचुलेशंस फॉर पुटिंग अप सच अ नाइस। और ये अगली सबमिशन है हमारे आर्ट एग्जीबिशन में, दिस इज बाय अमृता चौहान। अमृता, आपके इस पेंटिंग का थीम क्या है? सर, ये छठ पूजा को दिखाता है और ये ज़्यादातर जो है ये बिहार में मनाया जाता है और अभी जो है ये ज़्यादातर मतलब बिहार से फैला है, जो लोग बिहार से कहीं और गए हैं तो वो वहाँ पे मनाते हैं और इसका ये थीम है कि हम मतलब कि उगते सूरज को सब पूछता है लेकिन ढलते सूरज को कोई नहीं पूछता है, तो ये त्यौहार जो है इसमें उगते सूरज के साथ साथ ढलते सूरज का भी पूजा होता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा यूनिक है। वेरी गुड अमृता, थैंक यू। इस पेंटिंग में आपने जो है कौन सा आर्ट का स्टाइल यूज किया है? सब मधुबनी पेंटिंग। वेरी गुड। एंड नाउ वी हैव अ वेरी क्यूट पेंटिंग माय फ्रेंड गणेशा एंड दिस इज एन आर्ट वर्क बाय निकिता। सो ओके, लेट अस आस्क निकिता अबाउट हर आर्ट वर्क। तो निकिता, आपने लिखा है माय फ्रेंड गणेशा, तो गणेश जी आपके फ्रेंड हैं? यस सर। यस, वेरी नाइस। चलिए, तो ये आर्टवर्क आपने खुद बनाया है? यस सर, बस इसमें सुप्रिया दीदी थोड़ी हेल्प की है। इसमें सुप्रिया दीदी थोड़ी हेल्प की है। जोर से बोलिए बेटा। इसमें ना दीदी हेल्प की है। दीदी हेल्प की है। यस। वेरी गुड, कोई बात नहीं। कितना टाइम लगा आपको इसको बनाने में? सर 10-20 मिनट। Sir, just 20 minutes. Only 20 minutes? Yes, sir. Well, then I'm sure, Nikita, you are going to be a great painter someday then. Okay? Thank you. Congratulations. और अगला जो हमारा piece of art है, ये भारती का बनाया हुआ है. I think it's showing a bride from backside, right? I think ये करवा चौथ का theme है क्या ये? Yes, sir. Okay. तो आपने इसमें जो है pencil की shading की है? Yes, sir. All right. तो चलिए ठीक है, आपको ये जो है ये ड्राइंग बनाने का आइडिया आपको कैसे आया?
मतलब मेरे क्लास में कोई नहीं कर रही थी ना, तो हमको लगा यही आसान होगा, तो मैं ये कर लिया अपने मन से। अच्छा अच्छा अच्छा, लोकल कल्चर को दिखाना था तो आपको लगा कि ये आसान होगा, इसलिए आपने ही बना लिया। ओके चलिए, अपने पेंटिंग को बेटा कंटिन्यू रखिए, बिकॉज इट इज़ अ रियली नाइस पीस ऑफ वर्क, इसको कंटिन्यू रखना है ना। आगे भी जो है बिना किसी, आई मीन जब भी आपको इंस्पिरेशन मिले उसको जो है आप कोशिश करिए कैनवास पर उतारने, है ना, सो दैट वी कैन मेक ग्रेट वर्क समथिंग, राइट। थैंक यू, वेल डन भारती। नाउ दिस इज अ नाइसली पेंटेड एंड फ्रेम्ड वर्क ऑफ आर्ट एंड इट्स डन बाय युवराज। ओके युवराज, इस आर्टवर्क के थ्रू आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? इस आर्टवर्क के थ्रू ये दिखाना चाहते हैं कि हमें वाटर को सेव करना चाहिए और पेड़ भी बचाना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। और ये जो येलो कलर का है ना, वो दिखाता है कि हम लोग जो पेड़ काट देते हैं उससे ग्लोबल वार्मिंग है, बहुत खतरनाक चीज़ें हो सकती है ह्यूमन कल्चर में। ओके युवराज, सो दिस इज एन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंस्पायर्ड वर्क ऑफ आर्ट। यस सर, वेरी गुड युवराज, ऐसे ही जो है आप आर्ट वर्क बनाते रहिए और लोगों में जो है इस तरह का जो है कॉन्शसनेस बढ़ाते रहिए। यस ठीक है, ठीक है, थैंक यू बेटा। एंड वी हैव अनदर पीस ऑफ वर्क हियर बाय प्रियांशु राज, क्लास 4। वेल प्रियांशु, इस आर्ट के थ्रू आप क्या दिखा रहे हैं बेटा? सके कि ये मेरे भाई बिहार देश में, मेरे बिहार में कि ऐसा ये प्रमुख त्यौहार है जो हम लोग मनाते जा। बहुत बढ़िया, तो आप जो है बिहार में छठ की प्रधानता जो है उसको दिखाते हुए आपने ये पेंटिंग तैयार, आर्ट वर्क तैयार किया है, है ना? अच्छा, तो और इसमें तो छठ तो खैर महिला और पुरुष दोनों मनाते हैं, तो आपके आर्ट में जो है महिला को ही क्यों दिखाया गया है? ऐसा त्यौहार है कि महिलाओं को प्रमुखता होती है। वेरी गुड, अब बेसिकली ये है कि हमारे मिथिलांचल के पर्व त्यौहार में जो है महिलाओं का एक प्रधान जो है दर्जा मिला हुआ है ऑलरेडी, है ना। वेल डन, वेल डन प्रियांशु, आगे भी उम्मीद है कि हमें आपसे ऐसे आर्ट वर्क मिलते रहेंगे। ओके थैंक यू। नाउ वी हैव टू ब्यूटिफुल पीसेज ऑफ मधुबनी पेंटिंग हियर एंड बोथ दीज पीसेज आर क्रिएटेड बाय प्रीति फ्रॉम क्लास 9। तो चलिए हम लोग प्रीति से जानते हैं फिर उनके आर्टवर्क के थीम के बारे में। वेल प्रीति, आपके पहले आर्टवर्क में क्या डिपिक्ट किया गया है? दिस शोज इन एशियन टाइम्स हाउ ब्राइड्स लिव, हर हर फैमिली एंड गो विथ पालकी फॉर न्यू फॉर सेट अ न्यू लाइफ ऑफ हर न्यू फैमिली। वेरी गुड, आपने जो है इसमें मधुबनी पेंटिंग का, मधुबनी पेंटिंग स्टाइल का यूज किया है, है ना? Yes, sir. तो आप मधुबनी पेंटिंग कब से तो बना रही है? सो आई एम इन क्लास 4, देन आई सी फर्स्ट दिस। मैं दरभंगा में रहती थी तब मैंने फर्स्ट टाइम ये पेंटिंग देखा, तो मैंने स्टेप बनाना स्टार्ट किया था। अच्छा, तो उसके बाद से आप लगातार जो है मधुबनी पेंटिंग तैयार करती है? यस सर। वेरी गुड, इसमें आपको अपने फैमिली का भी सपोर्ट मिलता है? यस सर। तो आगे भी आप मधुबनी पेंटिंग बनाते रहना चाहेंगे, कुछ नया नया एक्सपेरिमेंट? यस सर। वेरी गुड, अब आपके सेकेंड आर्ट वर्क पर हम आते हैं, दिस इज अनदर आर्ट वर्क बाय यू, राइट? यस सर। आई थिंक इट इज डिपिक्टिंग द सीन ऑफ छठ। यस सर। गुड, तो छठ का थीम आपने चुना अपने आर्ट वर्क के लिए, राइट? तो इसके थ्रू आप क्या दिखा रहे हैं, लाइक छठ के इम्पोर्टेंस को दिखाने के लिए? यस सर। ओके, तो क्या आप इसके डिटेल में कुछ बता सकती हैं इस आर्ट के बारे में? यस सर, दिस इज द बिगेस्ट फेस्टिवल फॉर इंडियंस एंड इट इज सेलिब्रेटेड इन बिहार, उत्तराखंड, नेपाल एंड सम पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। इट इज नॉट अ फेस्टिवल, इट्स इमोशन फॉर अस एंड दिस इज द बिगेस्ट फेस्टिवल फॉर अस एंड इट्स ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम इसे बहुत प्यार से मनाते हैं। आप जो इसमें जो आपने डिटेल यूज किया है, क्या इस डिटेल को आप समझाना चाहेंगे? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, क्या आप बता सकते हैं कि किस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं ये? सर, इसे हिंदी में सूप कहते हैं जो छठ के लिए यूज होता है, जिसे हम पानी में लेके उसे उसमें बहुत सारे फ्रूट रहते हैं और जो हिंदी भाषा में छठ के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है ठेकुआ, वो रहता है, वो उसे हम भगवान को अर्पित करते हैं।
वेरी गुड, तो भगवान को जो है अर्घ्य देने में जो है ये सब काम आती है सामग्री, राइट। चलिए, वेरी गुड प्रीति, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर आर्ट वर्क्स एज वेल। थैंक यू सर। एंड हियर वी हैव अनदर सबमिशन इन आर्ट एग्जीबिशन। दिस इज एन आर्ट वर्क बाय त्रिदेव कुमार। चलिए, हम त्रिदेव सब जानते हैं। त्रिदेव, इस आर्ट वर्क के थ्रू आप क्या दिखा रहे हैं? सर, ये नवरात्रि का सर सीन है। ये सब बिहार में नवरात्रि में खेला जाता है, दुर्गा पूजा में। ये सर नवरात्रि का फोटो है। ये सब बिहार में नवरात्रि खेला जाता है या इंडिया में नवरात्रि होता है सर? ये सर हर एक स्टेट में खेला जाता है। अच्छा, इसमें जो है आर्टवर्क थोड़ा सा मुझे डिफरेंट टाइप का लग रहा है। ये किस स्टाइल में आप कह सकते हैं, ये किस स्टाइल की पेंटिंग है ये? अच्छा, इस पर आप क्लियर नहीं है। चलिए, काफ़ी अच्छा आपने बनाया है, दैट इज़ एनफ फॉर द टाइम बीइंग, है ना। और हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही आर्ट की दुनिया में भी जो है कैसे दिन बड़ा नाम आप करेंगे, ठीक है। थैंक यू त्रिदेव। चलिए, हमारे सामने जो नेक्स्ट सबमिशन है विद्यावटका के आर्ट एग्जीबिशन का, ये तैयार किया गया है अंजलि सिंह के द्वारा, क्लास 4B। ओके अंजलि, चलिए अपने आर्ट के बारे में थोड़ा बताइए। सर, ये दिवाली का हाउस है और इसमें बच्चे लोग खेल रहे हैं और इसकी माँ उनकी देख रही है जो दिए पे हाथ ना डाले। वेरी गुड अंजलि, उम्मीद है अभी आप क्लास 4 में ही है। yes, आगे भी आप ऐसे ही आर्ट वगैरह का वो जो है आर्ट वर्क में आप इंटरेस्ट लेते रहिएगा और उम्मीद है कि किसी ना बहुत बढ़िया आर्टिस्ट बनिएगा। अभी भी आप बढ़िया आर्टिस्ट है लेकिन आगे और बढ़िया बनिएगा, है ना। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, नेक्स्ट आर्ट वर्क हमारे सामने है गरिमा रॉय का। शी हैज टाइटल्ड इट रीजनल कल्चर। ओके गरिमा, तो इस आर्ट वर्क में आप क्या दिखा रही हैं? इस आर्ट वर्क में ये दिखाना चाहती हूँ कि एक वुमेन जो है सो हमारे जो प्रभु हैं गॉड सन, उन्हें जो है प्रेयर ऑफर कर रही हैं और उसमें मैं जो मधुबनी पेंटिंग का इस्तेमाल की हूँ, इससे मैं अपने मधुबनी पेंटिंग को और प्रमोट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग इसे देखें और इसके मतलब स्प्रेड हो ये सारे जगह पे। जब आप जैसे बच्चे जब इस तरह से मधुबनी आर्ट को सीरियसली लेना शुरू करेंगे, हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही मधुबनी पेंटिंग जो है इसको वर्ल्ड स्टेज पर और ज़्यादा नाम मिलेगा, है ना। कांग्रेचुलेशंस, वेल डन। ओके, ये जो है मौसम के द्वारा तैयार किया हुआ आर्ट वर्क है। चलिए, अब हम मौसम से जानते हैं कि उन्होंने ये क्या दिखाने की कोशिश की है यहाँ पर। इट इज़ डेकोरेटेड फॉर टू पिकॉक। पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। इट इज पार्ट इन मधुबनी स्टाइल। इट मोस्ट प्रियर्ड इन मधुबनी एग्रीकल्चरल। आपने जो है इस आर्ट में जो है पेंसिल शेडिंग का ज़्यादा यूज किया? यस सर। मधुबनी पेंटिंग में मैंने देखा है कि वाइब्रेंट कलर्स का ज़्यादा यूज होता है, तो आपने यहाँ पर कलर का ज़्यादा यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे मतलब ये अंदर में शौक आ रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसा ही कुछ ऐसा बनाने की कोशिश की। ओके, चलिए, आपका डिलीवरेट अटेम्प्ट था कि कुछ सिंपल बनाया। यस। चलिए, ये अगला आर्ट वर्क जो है ये दिया चौधरी का बनाया हुआ है। बहुत ही छोटा सा कैनवास है लेकिन काफ़ी खूबसूरत है, ये प्यारा सा है ये। चलिए, हम लोग दिया से जानते हैं उनके आर्ट के बारे में। ये एक औरत है और इसको पशु पक्षियों से बहुत प्रेम है, इसलिए वो अपने हाथ में पक्षी को ली रखी है। थैंक यू। वेरी गुड दिया, ग्रेट जॉब, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। ओके, दिस इज अनदर आर्ट वर्क बाय अनुपूर्णा, क्लास 5। ओके अनुपूर्णा बेटा, इस आर्ट वर्क के थ्रू आप क्या दिखा रही हैं? ये एक औरत है जो छठ पूजा के दिन नदी में जाके सूर्य भगवान को जल अर्पण कर रही है। थैंक यू। बहुत बढ़िया, इसके लिए आपने किस आर्ट स्टाइल का यूज़ किया है बेटा, बता सकती है क्या? कोई नहीं अनुपूर्णा, यू आर स्टिल इन ग्रेड 5, तो काफ़ी सीखने के लिए आपके पास टाइम भी है और उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया जो है आर्ट की दुनिया में नाम कमाएंगे, है ना। कांग्रेचुलेशंस बेटा, वेल डन। ये अगला आर्ट वर्क जो है हमारे पास आरोही कुमारी का है। ये अगला आर्ट वर्क हमारे पास जो है आरोही कुमारी का है। आरोही क्लास 3 की स्टूडेंट है और उन्होंने काफ़ी बढ़िया आर्ट वर्क यहाँ पर बनाया है। अब हम जानते हैं कि आरोही इसमें क्या दिखा रही है। आरोही, आपके पेंटिंग का सब्जेक्ट क्या है बेटा? लोहड़ी। हाँ बेटा, क्या है आपके पेंटिंग का सब्जेक्ट? लोहड़ी का त्यौहार। लोहड़ी का त्यौहार, लोहड़ी फेस्टिवल। अरे वाह वाह वाह,
चलिए तो यहाँ पर जो है लोहड़ी के मौके पर जो है ये आग जल रही है और लोग बगल में जो है डांस कर रहे हैं। नहीं बहुत बढ़िया आरोही, काफ़ी अच्छा पेंटिंग है आपने। कितना टाइम लगा आपको इसको बनाते हुए? सर थोड़ा देर लगा था बस। थोड़ी देर में आपने इतनी बढ़िया पेंटिंग बना दी। अरे वाह आरोही, तब तो आप आगे और भी बड़े बड़े आर्ट वर्क बनाएंगे, है ना? ओके बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेल डन। ओके, ये अगला जो है सबमिशन है हमारे एग्जीबिशन में, इट्स ए रियली वेल डेकोरेटेड एलिफेंट और ये आर्टवर्क तैयार किया गया है श्रेयसी के द्वारा। श्रेयसी किस क्लास में है बेटा? क्लास 5। ओके, तो चलिए हम लोग श्रेयसी से उनके आर्टवर्क के बारे में जानते हैं। मैं इस आर्टवर्क में दुनिया के सबसे बड़े जानवर को दिखाना चाहती हूँ मधुबनी पेंटिंग के द्वारा। अच्छा, मधुबनी पेंटिंग को, मधुबनी पेंटिंग के स्टाइल में आपने ये बनाने की कोशिश की है ना? आपने एलिफेंट का थीम क्यों चुना? हाथी को क्यों आपने चुना अपने सब्जेक्ट के तौर पर? सर क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल है और मैं इसे। अच्छा, क्योंकि अर्थ का सबसे बड़ा एलिफेंट है और शायद हमारे इंडियन कल्चर में जो है एलिफेंट को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी दिया जाता है कि नहीं है? अच्छा, इसलिए भी लगता है आपने इसको चुना है क्या? वेल डन बेटा, इट इज़ ए ग्रेट पीस और आगे भी हम उम्मीद करते हैं आप ऐसे बढ़िया बढ़िया आर्टवर्क बनाते रहेंगे, है ना? वेरी गुड बेटा। और ये हमारा अगला सबमिशन है, ये सबमिशन किनका है? व्हाट्स योर नेम बेटा? राकेश कुमार। राकेश? यस। क्लास 5? नो सर, 3। क्लास 3। चलिए, क्लास 3 के राकेश हैं और उन्होंने ये आर्टवर्क तैयार किया है। आई मस्ट से इट्स रियली लाइक अमेजिंग। राकेश, आप इस पेंट आप इस जो है स्केचिंग के थ्रू स्केचिंग में क्या दिखा रहे हैं? क्या सब्जेक्ट है आपके आर्ट का? सर इसमें छठ पूजा का कुछ छठ पूजा दिखा रहे हैं। बहुत बढ़िया, तो छठ में जो है ये अर्घ दिया जा रहा है। नहीं, ये हाथ में क्या है बेटा? ये सर डाली है। वेरी गुड। चलिए, तो ये है राकेश का आर्टवर्क। आई मस्ट से रियली फैंटास्टिक, ग्रेट जॉब राकेश, थैंक यू बेटा। और ये अगला सबमिशन है हमारे सामने, ये भी छठ के थीम पर ही लग रहा है और इसके आर्टिस्ट कौन है? कुमार आदित्य, दिव्यांशु, क्लास 3। वेरी गुड दिव्यांशु, आपने काफी अच्छा आर्टवर्क बनाया है यहाँ पर, थीम क्या है आपके आर्ट का, सब्जेक्ट क्या है आपके आर्ट का बेटा? छठ पूजा को दिखा रहे हैं आप, है ना? तो क्या सब आपने दिखाया है इसमें, क्या आपने इस आर्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में आप बताइएगा हमको? ये कौन सा सीन है छठ का? ये सर सुबह का सीन। सुबह का? यस सर। अर्घ देने का सीन है? यस सर। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन दिव्यांशु, इट इज अ रियली ग्रेट पीस ऑफ वर्क। सो दीज वर द सबमिशंस एट विद्यावाटिकास आर्ट एग्जीबिशन। दिस बेसिकली लाइक दिस आर्ट एग्जीबिशन कंटिन्यूज फॉर 3 days and we are hopeful that many more submissions will come in the next couple of days. This exhibition is mainly organized to encourage the students to use art as a medium for showing their cultural pride, to express their cultural identity, and at the same time also pass on meaningful messages to rest of the society. So well, we will meet you again with our next installment of art exhibition. Thank you. Have a nice day. Bye-bye.